नमस्कार, इस वक्त की जो खबर है गोंदिया जिले से। जिले के पालक मंत्री श्री नवाब मलिक ने लिया कामकाज का जायजा। गोंदिया में आज राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री श्री नवाब मलिक के हस्ते जिला क्रीड़ा संकुल गोंदिया में 126 बेड के नए DC/SC का उद्घाटन किया गया, जिसके चलते कोरोना के मरीजों को उपचार के लिए सुविधा मिलेगी। पालक मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि खासदार पटेल गोंदिया जिले में हो रहे कोरोना संक्रमण की परिस्थिति के अलावा अन्य समस्याओं पर भी विशेष ध्यान दे रहे, जिसलिए जिले में बहुत मदद हो रही है, जिस वजह से ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं अन्य दवाइयां समय पर उपलब्ध हो रही है। पालक मंत्री ने कहा कि पिछले सप्ताह वे जब दौरे पर आए थे उस समय कोरोना संक्रमित की स्थिति दयनीय थी, उसके रोकथाम के लिए जिला प्रशासन को जिला क्रीड़ा संकुल एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज में 126 एवं 100 बेड की व्यवस्था कर DC/SC बनाने के लिए निर्देश दिए गए थे। बहुत ही कम समय में जिला क्रीड़ा संकुल में DC/SC का कार्य पूरा कर 114 बेड सहित कूलर कूल्ड कर उनमें से 12 बेडों को एयर कंडीशन किया गया है। साथ ही साथ जगह जगह पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। इस DC/SC के कारण उपचार के दौरान कोई कमी नहीं आएगी। साथ ही 5 एम्बुलेंस की सेवा भी जनता के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। गोंदिया नगर परिषद के आपत्ति व्यवस्थापन के लिए 2 अग्निशमन पथक वाहनों को उपलब्ध कर दिया गया है। इस समय पालक मंत्री नवाब मलिक के साथ पूर्व आमदार राजेंद्र जैन, आमदार मनोहर चंद्रिका पूरे, आमदार सहसराम कोरोटे, आमदार अभिजीत बंजारी, जिला प्रशासन के अधिकारी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस एवं कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे। गोंदिया न्यूज अपडेट से सतीश पारदी की खास रिपोर्ट। ममता के बोलने से इस्तीफा नहीं दूंगा। चुनाव ही लोकतंत्र में रेफरेंडम होता है। चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि बंगाल की जनता अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है। वो इस्तीफा कब देंगे हम जानना चाहते हैं। सर, आखिरी ऐसी खबरों को पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल गोंदिया न्यूज अपडेट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।